बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे कि आप लोगों को पता है यार, जोनाथन तो हैकर है ही। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और आज हम लोग जोनाथन की स्क्रिम्स के अंदर 1v4 देखने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठना, कहीं कोई समझ रहे इधर उधर लुढ़क गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो बस एक लाइक कर देना और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जोनाथन 1v4 GE। ओके, एक आध मीटर का और ग्रेनेड आ गया तो शायद वहाँ पे डार्क डाउन हो सकते थे। एक नॉक कर काम करके जाएगा। पहली ओपनिंग यहाँ पे मिल चुकी है, उसी डायरेक्शन पे और ग्रेनेड करने का डिसीजन रहेगा। तो क्या उस तरफ स्मोक ही किया जा चुका है, व्हीकल से यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बाइक क्लोजिंग कर दी हुए, ध्यान खींच लिया गया उस डायरेक्शन में। अब सीधा अपने स्टूल के साथ उस डायरेक्शन पे यहाँ पे बढ़ रहे, कनेक्शन का डिमांड रहेगा। व्हीकल से कंटिन्यूअसली रोटेशन कर रहे, डैमेज उनके ऊपर भी काफी ज्यादा, कुछ लिमिटेड बुलेट उतार दिया होते हुए देख पाएंगे। जी हाँ, दूसरे खिलाड़ी को डाउन किया गया, नूप को समाप्त करने की भी कोशिश, लेकिन इस दौरान एचपी रिकवर करने के लिए जो फर्स्ट एड, भाई जोनाथन के पास हेल्थ लगाने के लिए कुछ भी नहीं है बूस्टर के अलावा, चाहिए वो जोनाथन के पास यहाँ पे नहीं है। गिल के 3 खिलाड़ी अभी भी यहाँ पे तैनात है। डार्क लॉर्ड की बात, ओके हेल्थफुल हो गई, परफेक्ट को इनफैक्ट ग्रेनेड से डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। तो अब जो सिचुएशन है वो डायरेक्टली 1v3 का आ चुका है। डार्क लॉर्ड उनकी ग्रेनेड की पिन खींच ली, ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट करने का ट्राई रहेगा, इसमें शायद नॉक है। देखते हैं ये कनेक्शन क्या yes, बना सकता है। जी हाँ, लग तो रहा है स्प्लैश डैमेज वहां पे दिया जाएगा। इनफैक्ट डार्क लॉर्ड को डाउन करेंगे, एक और को डाउन करेंगे। टीम गॉड लाइक के जोनाथन आज क्लच पे क्लच करते चले जा रहे हैं। पहले यहां पे एक स्पार्क किया गया और इस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जोने की हेल्थ फुल कैसे हुई थी, क्योंकि मैंने वापस भी जाके देखा उसके पास कुछ नहीं था, या फिर मेरे से कोई गलती हुई तो बताना जरूर। अभी जल्दबाजी करना गलत हो सकता है। टारगेट पोजीशन रिवील स्प्रे किया जाएगा, नॉक किया जाएगा। ये गॉड लाइक के घर में आ गई कोई टीम, ठीक है कौन सी टीम है, टीम एक्सपार्क आई थिंक सो। हां ठीक है, समाप्त करने सारंग को नॉक किया है, लेकिन नॉक होने के बाद वो एक ऐसे कवर में चले जाते हैं जिसके कारण उन्हें समाप्त कर पाना उतना आसान रहेगा नहीं। डीबीएस ले भाई, डीबीएस तो गनी, डीबीएस इनके पास कनेक्शन, सामने वाले की फट जाती है एक बार को। लेकिन आप सामने देखिए, प्लेयर बार बार पोजीशन बदल रहा है जिसके कारण जोनाथन के लिए भी वो कनेक्शन बना पाना इतना आसान नहीं। लेकिन थोड़ा सा पीछे हटा गया, काफी अच्छा फाइनली। चलो भाई ग्रैंड की पिन कीजिए, एक अच्छा डिसीजन है यहां पर। उनको पता है कि एक साथ एकजुट होकर ही यहां पर इस ओके, अब जॉनी को ना आइडिया हो गया यहाँ पे कि वो बंदा है कहाँ पे एग्जैक्टली। डीपीएस का भी ओके नहीं हुआ, मुझे लगा ये शायद घड़ी फेंकने वाला है। मिस क्लिक तो नहीं था वो, प्री शायद अब हो गया पर थी गई थी वहां पर। मे बी एक नॉक है, यस जोनाथन चाह रहे हैं कि वो ग्रेनेड कनेक्शन अगर ये बन जाता दो प्लेस भी डाउन हो सकते थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर जोनाथन अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा गॉब्लिन जो है कुछ रात टाइगर्स के अगेंस्ट बिड़त करते हैं। ओके वो तो अलग टीम का फाइट चल रहा है, मैं अब ध्यान दिया यहाँ पे जोनाथन अकेला है, ये 1v4 सिचुएशन ही है भाई। नजर आएंगे वो फाइट भी ताकर हो जरूर चुकी है, लेकिन मतलब यहाँ पे टीममेट्स का कोई सपोर्ट नहीं है। का ही प्रयोग करते नजर आएंगे, हो सकता है स्मोक का भी यहाँ पर इस्तेमाल, लेकिन जैसे फिर होते हैं दूसरी तरफ से भी यहाँ पर तो दोनों ही छोर से उनके ऊपर प्रेशर चल रहा है, लेकिन ये क्लोज रेंज की फाइट क्या निकल जाएगी। जी हाँ, दूसरे ब्रेक को भी निकाल दिया गया है, क्या यहाँ से जंप लगाकर नीचे की तरफ दौड़ा जाएगा। अगर यहाँ पर एलिमिनेशन आएगा तो एक वन ऑफ द एपिक कलेक्शन कह सकते हैं बनता हुआ नजर आएगा। जोनाथन जरूर बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी डीपीएस ये तीसरा कलेक्शन भी है, चौथा बनने की और हेवी गो 1v4 फ्रॉम व्हाट द हेक, क्या मार दिया भाई ये। अब उनके पर्सपेक्टिव से उनका क्या रिएक्शन चल रहा है, बट पब्लिक का रिएक्शन तो मेरे ख्याल से जैसी है चीज भाई, ऐसे ही ना इस बंदे को हैकर नहीं बोलते, समझ रहे हो जोनाथन। ये दो मित्र एक दूसरे के अगेंस्ट फिर से आए हैं, तो देखते हैं किसके पास न्यूमन ही स्पोर्ट्स आई थिंक। No, भाई गॉड भी यहाँ पे जिस तरीके से शॉट लिए डी गॉड को दूर से ही हाई बना रहा है, लेकिन रिवाइवल आप देखिए काफी तेजी से शॉट लेंगे, कनेक्शन की बात इंटेंस मामला चल रहा है यहाँ पे जा सकता है। देखिए जाएंगे तो सबसे टीम स्टोर की बात ओके आ गया है जोनी का पर्सपेक्टिव, एक नॉक के लिए उस टीम स्पोर्ट पे। अब जेनेसिस कितना इंतजार कर रहा है, दूसरे से जेनेसिस के 2v4 सिचुएशन है, ठीक है यहाँ पे मल्टीपल टीम्स है भाई, एक नॉक डाल दिया, अभी एक क्विक स्कोपिंग हमें देखने को मिलती रहती है, सामने खिलाड़ी देखने को मिलते रह जाते, बट ये फाइट ओ भाई ओ हो हो भाई क्या ओ
भाई एक डीबीएच के शॉट में जो दो शॉट मारे थे ना भज भज करके, उसमें दो बंदे गए अलग अलग भाई। और ये सब क्लासिक में चल रहा है, सब स्क्रीम्स में चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। उतरते ही वहां पे सबसे पहले फिनिश ओके, दूसरी फाइट की तरफ आते हैं, दोनों प्लेयर्स को नॉक कर दिया। वहां पे एक 1v2 जो कि हमें देखने को मिलता है और गॉड लाइक की एक शानदार अभी शुरुआत। और जॉनी आगे की तरफ जाते हुए एक और नॉक को क्या वहां पे फिनिश में तब्दील करने के लिए बढ़ेंगे। टीम गॉड लाइक भी एक अच्छे अंदाज में देखिए देखने को मिल जाती है। और ये इतने क्या एक हमें बड़ी बेकार की क्वालिटी है, कैन ही शट डाउन द लास्ट प्लेयर, कम ऑन जोनाथन, यू हैव टू शो अप क्लच भाई, इजी प्लेयर को बस वहां पे फिनिश। तो वीडियो बहुत लैग कर रहा है, इसमें कुछ मजा नहीं आया। जोनाथन सिंपली डिस्ट्रॉयड His rivals, एक 1v3 जो कि हमें देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहां पे वो फाइट लेंगे। इस बीच में टीम शैडो, टीम शैडो आज इस टीम को रोकना आपके लिए कौन है भाई, गॉर्डन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। जोनाथन ऑलरेडी यहां पे तीन फिनिश लेके बैठा हुआ है, काफी करीब है। लुक एट दिस, जोनाथन ब्रिंग्स डाउन टू प्लेयर्स ऑफ टीम ग्लोबल। बीस्ट को फिनिश ऑफ किया, पांच अंक इस खिलाड़ी के खाते में, गॉड लाइक लगभग 8 अंकों के बन चुके मालिक हैं। जोनाथन क्या आखिरी प्लेयर को कर सकता है फिनिश ऑफ, लुक एट दिस, वो आखिरी प्लेयर को फिनिश ऑफ करने के लिए वापस शॉट फायर। भाई क्या फिनिश निकालता है बंदा, एक और अंक जो रहा है जेली ने, वहां पे वो फिनिश अभी कंफर्म किया, लेकिन गॉड लाइक के ऊपर एक और टीम का हमला। और ये टीम स्काउट की टीम है, स्काउट वापस स्वयं अपने आप को आप पाते हैं असमंजस में, नॉक किए जाएंगे। सैयद भी एक लौटे प्लेयर, जोनाथन भी नॉक किए गए, गॉड लाइक की टीम। टॉप क्लैश वो पी स्पोर्ट्स करती हुई नजर आई है, यहाँ मिल जाएगी क्योंकि ड्रम यहाँ भी देखो, जॉनी एम फोर लेके सॉरी जॉनी ये स्प्रेस मिस नहीं कर सकते थे भाई, ये कैच ही बचा हुआ बंदा पता है, यहाँ पर पूरी तरीके से नॉक हो सकते थे। चलिए पीछे से कत में बहुत ज्यादा प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, फिनिश को सिक्योर करने की कोशिश जरूर रहेगी। अभी भी मुझे लगता है उसी पोजीशन पर रहने वाले जी, फाइनली यहाँ पर रहते हुए नजर आएंगे, बट इतने समय से जिस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, जब समय आया एक सही समय था जब यहाँ से खेला जा सकता था, निकाला जा सकता था ये गेम। लो भाई जॉनी का एक ग्रेनेड से दो नॉक, और खुद भी नॉक होते हुए नजर, मतलब अपोनेंट को भी नॉक किया उसी गेंद से, खुद भी नॉक हो गया जॉनी भाई, वाह। पोजीशन उनकी यहाँ पर रिवील है, कनेक्शन क्या बिल्कुल भी नहीं भाई, डीबीएस थी इसके बाद से, और जोनाथन ने एक एम से मारा, मतलब मैं से बताऊं डीबीएस देख के मेरी फट जाती है भाई लिटरली। लाला करेंगे यहाँ पर एलिमिनेट, इसी के साथ साथ पोपी स्पोर्ट्स जो सोच कर आए थे एक बेहतरीन फाइट निकालने के लिए, देखने को मिला, गेम प्ले देखने को मिल चुका है। तो जल्दी जल्दी गाइस जितने भी स्ट्रीम पे नए आ रहे हैं, मेक श्योर स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए भाई, लग रहा है इस बार थर्ड पार्टी में ये टीम देख रहे हैं बाहर से आई है। फटाफट से स्ट्रीम को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, लाइक कंप्लीट करिए। एक थर्ड टीम तमिल से शायद से टी टी करके भाई, ये तो गया एक फिनिश, जोनाथन अकेला बचा, अब आएगा मजा ये क्लच देखने में। एंड टीम तमिलास पहले फॉल बैक, यहां पर एक थर्ड पार्टी का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, बोला थर्ड पार्टी हुई है यहां पे, सही तरीके से यहां पर इस्तेमाल किया। जॉनी डिसएंगेज करके जाना चाहता है इस फाइट से, और मुझे नहीं लगता कि टीम तमिलास इतने आसानी से इन्हें जाने देगी भाई। फिर से यार फर्स्ट एड वगैरह कुछ नहीं है भाई, अगर ये क्लच यहां कंप्लीट हो गया ना भाई, मजा आ जाएगा देख के, लगाते हुए नजर आ जाएंगे। बट क्लच द क्लच मास्टर तो ये है, इन्हें भी कहा जाता है, डीबीएस इनके पास मौजूद है, बट 1 HP रहने वाले, एक खिलाड़ी को अच्छा नॉक, दो खिलाड़ी को अच्छा नॉक, मां कसम बे पर क्या बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जोनाथन नजर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए सर है कि फायर रुका ही नहीं, सामने वाले पे भी डीबीएस वो शॉटगन थी शिट वे भाई जो मारा है, लेकिन भाई मतलब इतना प्रेशर में उस बंदे ने दो बंदे नॉक कर दिए भाई, सीरियसली गॉड भाई। अगर वही चीज आप फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, वो बहुत जल्द आपको होती दिखेगी जरूर से। और ओ, अभी की लगा क्या आता देखिए, वो खिलाड़ी इनके सामने और बड़े आराम से वो पहला नॉकआउट निकाले, ओ भाई कितने तगड़े सामने अपोलो की एचपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जोनाथन अपनी डीबीएस लेकर बाहर निकलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन अंत में जी गॉड ने मस्त किल चुराया भाई, यहाँ पे चुराए मतलब लिए भाई, सीधा नॉक और फिनिश भी कर सकते थे, बट एक और नॉक इतना ज्यादा जोनाथन अकेले उम्मीदवार दिखाई देंगे, आप यहाँ पे इस्तेमाल किया आपने डीबीएस के शक्तियों का, एंड आप देखिए
जोनाथन के ऊपर से आखिर में तो भाई जॉनी ने बचाया टीम को, देख रहे गॉडलाइक इन्फिनिटी के बीच में एक्शन थोड़ा बहुत होता हुआ दिखेगा। इमॉर्टल की एचपी इतनी कम हो गई थी कि एक शॉट अगर वो कनेक्ट होता तो नॉक किया जाता। चल रहा है भाई ये बंदे वैसे बगल से कैसे निकल ले। ब्रिंग्स डाउन आईजीएल पहली ओपनिंग रनिंग व्हीकल नॉक ढूंढा जोनाथन ने अलादीन को भी कर दिया डाउन। जोनाथन भी अब आगे की तरफ जाते हुए लेकिन हंटर्स ने आदित्य को भी डाउन कर दिया एंड जोनाथन स्टेप्स अप। लेकिन इसी दौरान नकुल को भी नॉक किया जाएगा आदित्य के द्वारा। एक और शानदार नॉक आ चुका है ब्लाइंड के द्वारा, काफी लॉन्ग इमॉर्टल की पोजीशन हो चुकी है कॉम्प्रोमाइज और एक ही ओपी ने आदित्य को किया है नॉक। नॉक आउट अभी तक दिया नहीं गया है। फेनिक्स की एचपी काफी कम हो चुकी है। जोनाथन के आसपास ढेर सारी जोनाथन जी गॉड हमें देखने को मिलते हैं अपने साथी को रेस्क्यू करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल तो गॉड लाइक की नैया कहीं ना कहीं बीच में धार में डगमगाते हुए एंजेली विज गॉड का सुस्वागत किया काफी खूबसूरती से। ये नॉक जोनाथन नॉक हो चुके हैं लेकिन उनको बैकअप चाहिए रहेगा और बहुत अच्छा बैकअप मिलता हुआ। Would you believe that अभी जस्ट दो प्लेयर्स नॉक थे बट लाइक कि एक से दो अभी आई है यहां पे दूसरी टीम फिनिश कर पाएंगे क्या वो पॉसिबल। दूसरी टीम क्या एक अकेला बंदा आया है और ये जॉनी ने मार दिया और कोई मौका नहीं। आखिर में फिर से जोनी नहीं फिनिश किया भाई। तो लेट गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई। तुम लोगों को मतलब मेरे को सबसे बेस्ट जो क्लचेस लग रहा है वो 1v4 सिचुएशन में 1v4 कर दिया भाई वो सबसे गौर था। बाकी तुम लोग कमेंट बताओ तुम्हारा सबसे फेवरेट क्लच कौन सा था और मिलेंगे नेक्स्ट कमाल वीडियो में। तब तक ध्यान रखना। बाय बाय। जय हिंद वंदे मातरम। थैंक्स वॉचिंग गाइस। बाय बाय।